सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी वर्मा आज आपको सूखे धनिये का एक उपाय बताने जा रही हूँ। सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर का एक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको बड़ी आसानी से आप अपने घर में बिना किसी खर्चे के कर सकते हैं। कुछ भी, एक रुपया भी आपको इसमें खर्च नहीं करना। सूखा धनिया सभी घरों में, सभी किचन में मौजूद होता है, आप इसको कर सकते हैं। इससे हर तरफ से पैसा आपके घर की तरफ, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही अचूक तांत्रिक उपाय है, तंत्र का उपाय है। आप इसको करेंगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, जब भी हम ऐसे उपाय करते हैं तो उनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक कुछ नहीं होता। अगर होता है कुछ तो हमारी श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है। अगर हमारा विश्वास होता है तो इन उपायों से हमको जरूर बेनिफिट होता है। तो ऐसा ही उपाय है सूखे धनिये का उपाय, जो कि आप करके अपने लिए मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं घर के लिए। आप इसमें क्या करेंगे, किसी भी शुक्ल पक्ष को आपको ऐसा सूखा धनिया थोड़ा सा ले लेना है। कोई भी जो अच्छे उपाय होते हैं, जो अपने धन वृद्धि के लिए या अपनी सुख समृद्धि के लिए हम कोई भी उपाय करते हैं, तो हमेशा उनको शुक्ल पक्ष में ही करते हैं। तो इस उपाय को भी आपको करना है किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। तो आप क्या करेंगे, मंगलवार के दिन ऐसा सूखा धनिया आपको ले लेना है। एक मिट्टी का पॉट लेना है, पॉट ले लें या मिट्टी का गमला ले लें, मिट्टी का ही आपको लेना है। मिट्टी का छोटा सा आपने गमला ले लिया। साथ में आपको लेने हैं 21 रुपए, 21 रुपए सिक्के के फॉर्म में लीजिए, रुपए आपको नहीं लेने हैं, ये याद रखने, कागज का नोट नहीं लेना है, 21 रुपए आप सिक्के के फॉर्म में लीजिए। ये तीन चीजें आपको इस उपाय में लगने वाली है। आप क्या करेंगे, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपने क्या किया, नहा धो के अपना धनिया लिया, ये सारा सामान रख लिया। अब भगवान से प्रार्थना, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करते हुए कि भगवान, लाख मेहनत करने के बाद भी मुझे वो सफलता नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए, आप मेरी मदद करें और हमारी आर्थिक स्थिति को अच्छा करें, आर्थिक तंगी को हमारी दूर करें। आप क्या करेंगे, उसमें गमले में मिट्टी डालें, मिट्टी के ऊपर 21 सिक्के डाल दें और उसके बाद ये धनिया डाल दें, फिर और मिट्टी डाल के अच्छे से मिक्स कर दें, धनिये को, मिट्टी को और रुपए जो आपने सिक्के डाले हैं उनको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद और ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, आपका काम हो गया। पानी छिड़कने के बाद कहीं सुरक्षित उसको रख दें। उस पॉट की, उस गमले की देखरेख वैसे ही करें जैसे अन्य पौधों की हम करते हैं, समय समय पर उसमें पानी देते रहें, उसको सनलाइट भी मिलती रहे ताकि वो अंकुरित होकर पौधे के रूप में आने लगे, यानी कि आपकी सुख समृद्धि बढ़ना शुरू हो जाए, जीरो से शुरुआत होके आप ऊपर की तरफ ग्रो करने लगे। बड़ा ही अचूक उपाय है ये धनिये का। जैसे जैसे धनिया उगेगा, हरा भरा धनिया हो जाएगा, आपको उसको ग्रो होते हुए देखना है, खुशी खुशी उसको काटना है। जब वो बड़ा हो जाए, यूज करने लायक हो जाए, आप उसको काटिए और इस्तेमाल करिए। जितने बार आपको उसमें से धनिया पत्ता मिलता रहे तब तक आप उसको लगातार इस्तेमाल करते रहिए। जब उसमें पौधा सूखने लगे, अपने आप ही जब नेचुरली सूखने लगता है, पौधे की भी एक एज होती है, उम्र होती है, जितना देर वो आपको हरे भरे पत्ते देता रहे ठीक है, उसके बाद जब पौधा सूख जाए, खत्म हो जाए, गमला खाली होने लगे, पर 21 रुपए की जो आपने 21 सिक्के जो दबाए हैं 21 रुपए के, आप उनको निकालें, धोकर किसी लाल कपड़े में बांध लेना है। आपको लाल कपड़े में बांध कर लाल पाउच में ले लें या लाल कपड़े में गठान बना लें, अपने घर के दरवाजे पे ऊपर कहीं लगा सकते हैं तो वहां लगा दें, अपने बिजनेस पॉइंट पे, दुकान पे ऊपर लटका सकते हैं, दुकान पे कर दें, और या फिर आप चाहें तो जहां पर आप पैसा रखते हैं, आपका कैश बॉक्स है, आपका लॉकर है, वहां पर आपको ये अपना लाल जो आपने बनाया है, बैग बनाया हो या लाल पोटली टाइप की बनाई हो, उसको वहां सुरक्षित रख दें और मनी मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरी भी सुख समृद्धि की रक्षा करो और मुझे भी सुख समृद्धि दो। हमेशा याद रखना, ये उपाय हमको तभी रिजल्ट देते हैं जबकि हमको इन उपायों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो। साथ में हमेशा याद रखें कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी उपाय हमको फल नहीं देगा। पूरी मेहनत करने के बाद भी, सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर अड़चन आती है, किस्मत आपका साथ नहीं देती, तब ये उपाय आप जरूर करिए, किस्मत आपका साथ देगी, हर तरह की अड़चन और बाधाएं दूर होंगी और आपके पास भी मनी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
सूखे धनिये का ये बहुत ही अचूक उपाय है, हम इसको ब्लॉक मनी के लिए भी करते हैं। ब्लॉक मनी का भी उपाय मैं आपको बताऊंगी, पर पहले आप इसको करिए, इससे आपकी तरफ अपने आप पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। साथ में करिए पूरी मेहनत, उपाय पे बनाए रखिए अपना पूरा विश्वास और फिर देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। उपाय को करिए और कुछ दिनों बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा बेनिफिट हुआ है इससे। उम्मीद करती हूँ सभी को ईश्वर बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देंगे। अगले वीडियो में मैं शालिनी वर्मा फिर से मिलूंगी। नमस्ते।